जी कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट 17 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर पेश किया। इस बजट को मैं एक ऐतिहासिक बजट कहता हूँ, उसके पीछे क्या कारण है मैं अभी बताऊंगा। और दूसरे अगर मैं कहूँ कि एक शानदार बजट हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। खास तौर पे पहला बजट जो उनका रहा पिछले साल, उसमें जो ग्रीन राज्यों को लेके फोकस था और राज्य की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो कदम उठाने की बात थी, वो इस बार बजट में वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जिस प्रकार इस प्रकार के इस साल के बजट में प्रदेश के हर वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के जरिए उनकी बातों को सुनने का और उनके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में लेके आने का, ये अपने आप में एक बहुत शानदार बजट पेश किया है। आप कहिए कि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला बजट होगा और भविष्य में जो आज इसकी भूमिका बांधी गई है इस बजट से, हिमाचल प्रदेश के अभी भी आप ये समझें 80% से ऊपर लोग गाँव में रहते हैं, उसमें कृषि है, बागवानी है, या रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लेबर का काम करते हैं वो बहुत बड़ी जनसंख्या थी। तो मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि अगर हमें प्रदेश को आर्थिक स्थिति को ठीक करना है और प्रदेश को विकास की दृष्टि से और आगे बढ़ाना है, तो स्वाभाविक तौर पे हमको उन लोगों को टच करना है जो बहुत बड़ी संख्या में गाँव में रहते हैं। तो इसलिए इस बजट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला बजट है। वो किसान हो, वो बागवान हो, वो दूध उत्पादक हो, पशुपालक हो या भेड़ पालक, किसी भी वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें नहीं छोड़ा। हमारी सरकार ने ये प्रयास किए हैं कि ये ऐसे वर्ग हैं जिनको सही मायने में नीति बनाने की, बजट में इनके लिए प्रावधान करने की और नीतियों में पिछली जो लगातार कई वर्षों से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है उस ओर ध्यान देके, आप समझें कि कृषि को जब हम बूस्ट करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे जो है इतनी बड़ी जनसंख्या को जो टच किया गया है उससे हमारे जीडीपी में जो विकास दर है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगी। खास तौर पे इसमें बड़े फैसले हुए कि अगर हम दूध पैदा करने वाले जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, जो एक पिछले काफ़ी समय से लोग इस व्यवसाय से बाहर हट रहे हैं, उसका कारण था कि लोग जो खर्चा हो रहा है उनका अपने कृषि पे, बागवानी पे या दूध उत्पादक का, वो उनको उसके जो उत्पाद थे उसके सही दाम ना मिलने के वजह से। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला था। आपने और हमने सब ने देखा कि आज से पहले भी सरकारें रहीं 50 पैसे या 1 किलो दूध का कीमत बढ़ता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार गाय के दूध में 7 रुपये का इजाफा किया और भैंस के दूध में 8 रुपये का इजाफा किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था। और मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस दे के मैं समझता हूँ कि शायद देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है जिसने दूध को जो है MSP के अंडर लाया है। इससे साफ तौर पे जो दूध करने वाले, पैदा करने वाले किसान हैं, लोग हैं, अब वो एक निश्चित आय अपनी उनकी जो है हो जाएगी। हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जो लोग गांव में अपना व्यवसाय करते हैं कृषि से, बागवानी से या अपने दूध पालक से, उनको कम से कम 15-20 हज़ार रुपया महीने की जब एश्योर्ड इनकम होगी तब वो उस धंधे को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ा लोग मिले भी थे उनके साथ। बजट बनाने से पहले माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश से दूध उत्पादक के जो लोग थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थे, जो बागवान थे, किसान थे, उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, उनकी समस्याओं को समझा। तो उनका जो कंसर्न था वो बजट में दिखा कि किस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने उसको एड्रेस किया। एक ऐतिहासिक फैसला लेके इतना बड़ा स्पोर्ट्स प्राइस जो है MSP दूध के लिए दिया है। उसी तरह जिस प्रकार से जहर मुक्त खेती की बात इस बजट में की गई, ये आप समझे ये भविष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस ओर सोचने की ज़रूरत थी
और वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उसको समझा और बजट में उसका प्रस्तुति की कि किस प्रकार से हमको, अब आप समझे कि गेहूं का MSP जो होगा वो 40 रुपये और मक्की का जो है 30 रुपये रहेगा। तो ये अपने आप में ये कैसे फैसले हैं जो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम, या ये समझे आप कि प्राकृतिक खेती को अगर हम आगे से अच्छे से आगे बढ़ा पाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि देश के अंदर हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बनेगा जो प्राकृतिक खेती से एक ब्रांड बनेगा देश के अंदर। तो ये ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिससे निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों की भी आय बढ़ेगी और लोग अपने रूरल क्षेत्र में रह के अपना काम भी धंधा भी करेंगे और माइग्रेट नहीं होंगे रोजगार की तलाश में। तो ये इस तरह के बड़े फैसले हुए। जो भेड़ पालक थे उनका बड़ा कंसर्न था कि हमारा जो ऊन पैदा होता है उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान उनके लिए भी रखा। तो ये बहुत बड़े बड़े फैसले थे। मछली पालन का जो लोग जुड़े हैं, जो मछली पालन का काम करते हैं, उनके लिए भी इस बजट में प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किया है। तो ये सारी चीज़ें थी और वर्क थे। आप समझे कि पहली बार कुछ ऐसे फैसले हुए जो हमारी पुलिस फोर्स थी आपके सामने है। पिछली सरकार के समय किस प्रकार की परिस्थितियां बनी, जब ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार थी तो कैसी परिस्थितियां रही, पुलिस जवानों ने किस तरह से अपना प्रदर्शन किया, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 रुपये से जो डेली है वो 1000 रुपये के, ये ऐतिहासिक फैसले होते हैं कि 200 रुपये से सीधा 1000 रुपया बढ़ाया, तो उनमें बड़ी खुशी थी, बड़ा अच्छा माहौल था और एक बड़ा अच्छा फैसला किया, ये होना चाहिए था। उसी तरह से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर आप देखें कि जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए भी हर तरह से उनकी डाइट्स है, डेलीज है, उसको बढ़ाना, या जो लोग इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करेंगे गेम्स में, चाहे ओलंपिक्स है, एशियाड है, सबके लिए किस प्रकार से जो मेडल जीत के आएंगे ओलंपिक्स में उनका जो प्राइज मनी है उनको कितना बढ़ाया वो आपने देखा, 5 करोड़ तक कर दिया और 3 करोड़ कर दिया सिल्वर मेडल के लिए, 2 करोड़ ब्रॉन्ज मेडल के लिए। एक स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी एक इस बजट में प्रावधान किया गया। उसके अलावा आप देखें जो हमारे सरकारी कर्मचारी जो भाई हैं उनकी जो समस्याएं थी, या जो हमारे पेंशनर्स थे उनकी जो कंसर्न थे काफ़ी समय से, पिछली सरकार में जिस प्रकार उनकी सारे ड्यूज थे, जो देनदारियां थी, चाहे 6th Pay Commission की बात करें, सारी लाइबिलिटीज़ खड़ी थी। पिछले 5 सालों में जो सरकार थी भाजपा की, ठाकुर जयराम जी के अध्यक्षता में, उन्होंने इस वर्ग को कुछ भी उनकी देनदारियां सारी खड़ी रखी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4% DA देने के साथ साथ इस प्रकार बात की भी घोषणा की कि हम जो है 1 अप्रैल से आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से जो आपकी देनदारियां उसको भी देंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की है। तो ये बहुत बड़ा फैसला किया, जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी उसके बावजूद इस प्रकार की घोषणा करना और उसके लिए प्रावधान करना, ये अपने आप में बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए। और जिस प्रकार से हर वर्ग को अभी भी चौहान साहब ये कहा गया कि चरणबद्ध तरीके से कहा गया है, आप कह रहे हैं कि बड़े फैसले हुए हैं, बजट प्रोविजन में साफ तौर पर चरणबद्ध तरीके से देंगे, इस पर सवाल उठा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से क्यों, ये इसलिए होता है कि आपको भी, आप अच्छी तरह मुझसे भी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है और किस हालात में छोड़ी गई थी। तो ये हर चीज के लिए पैसे का इंतजाम करना है, ये पैसा दे के ही बनेगा और पैसा होना चाहिए खजाने में तब ये दिया जाए, लेकिन पिछली सरकार को आपको पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, सारी लाइबिलिटीज खड़ी की, हमारी सरकार ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसको चरणबद्ध तरीके से देंगे और उसका लोगों में खुशी भी है, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हमसे मिले हैं कि हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने इस बात को माना और शुरू करने की बात कही। तो ये चीज़ें की बात हमेशा वो होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जो कल को लोगों के सामने खरी उतरे। अगर चरणबद्ध तरीके की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है तो वो व्यवहारिक दिखती है आज के हालात में और उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है सरकारी कर्मचारी ने। अब बात आई कि जिस प्रकार से आप देखें कि जितने भी, चाहे ग्राम पंचायत में चुने हुए लोग हैं, चाहे जिला परिषद में चुने हुए लोग हैं, चाहे आपके MCs में हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटीज में, कितना बड़ा हाइक उन लोगों को मिला, कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसको इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने टच ना किया। उसके अलावा जो हमारे ऐसे बहुत सारे हैं, आशा वर्कर्स हैं, जो और काम करने वाले हैं, जो छूट गए थे, कल उसकी घोषणा की कि 500 जो मल्टी टास्क फोर्स वर्कर्स थे PWD में, मतलब आप ये समझें कि सहायक थे आंगनवाड़ी में, चाहे वर्कर्स थे, चाहे असिस्टेंट्स थे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे, सबके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है, हर वर्ग को टच करने वाला। और बहुत सारे ऐसे लोग इन दिनों हमसे मिले हैं कि जिन्होंने बजट की बहुत सराहना की है,
और जो बजट को समझते हैं, इसीलिए इसको जो है एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला बजट जो भविष्य में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और उसी प्रकार हर वर्ग को भी इसमें टच किया गया है। तो मैं कहता हूँ कि ये मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष के लोगों को ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्या इनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि दूध पैदा करने वालों का पहली बार इस हिमाचल के इतिहास में या देश के इतिहास में 7 रुपये या 8 रुपये किलो एक मुक्त बड़ा प्राइस MSP में लाया हो। आप इस बात को, क्या जयराम जी को ये बात बुरी लगी? नहीं बढ़ना चाहिए था उनका, इतना केवल 50 पैसे बढ़ना चाहिए था। ऐसे इसी तरह से क्या जहर मुक्त खेती नहीं होनी चाहिए, उसके लिए MSP का इंतजाम किया? क्या सरकारी कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए था, या बेरोजगार साथियों के लिए इसमें प्रावधान किया गया? कोई ऐसा वर्ग नहीं है बेरोजगार साथियों की आप बात कर रहे हैं, JOIT अभी भी उनका नतीजा घोषित नहीं हो रहा है, लगातार वो नेता जा रहे हैं। मैं बजट पे बात कर रहा हूँ, आपका मैं जवाब दूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे कारण है विपक्ष के पास, क्या इस बजट को विरोध करने का कोई कारण होना चाहिए? मेरिट पे है सब लोग, वैसे तो इन्हीं के लोग, विपक्ष के लोग भी आके वहाँ विरोध करना एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसके हट के जो है बजट की तारीफ करें और प्रदेश के लोगों में खुशी है कि हर वर्ग को इन हालात में टैक्स फ्री बजट दिया और हर वर्ग के लिए इसमें सौगात की। और उसके अलावा पहले वर्ष में इस सरकार ने अगर 22% एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया तो वो दिखा। आप समझें कि पूरे देश के अंदर गाय की बात करने वाले जो लोग थे कि गौ माता की बात करते थे, ये काम 700 से 1200 रुपये हमारी सरकार ने किया। ये गाय जो पाल रहे हैं, जो प्राइवेट लोग भी हैं इसमें इन्वॉल्व है, एक पशु के पीछे जो 700 रुपया मिलता था उसको 1200 रुपया किया गया। आप ये समझे कि किसी को इस बजट में छोड़ा नहीं, तो क्या ये गलत हुआ? हम आप लोगों के जरिए पूछते हैं कि जयराम जी को ये बुरा लगा कि जो एक गाय का 700 से 1200 रुपया किया गया, इतना बड़ा हाइक कभी किसी ने सोचा था? तो कुछ तो लॉजिक होना चाहिए कि विरोध करने का कारण क्या है, कौन सी बड़ी बात है? अगर आपके फिर भी कुछ सुझाव है तो सुझाव देने चाहिए। विरोध के लिए इस बजट में उनको दिखता नहीं है कुछ कि विरोध करने के लिए, स्वागत करना चाहिए था, जो अच्छी चीज़ें हुई थी इस बजट में उनका उनको खोल के स्वागत करना चाहिए, लेकिन ये कैसी विपक्ष है, कैसी मजबूरी है, ये हमारी समझ में नहीं। सर, इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं, बीते कल पूर्व विधायक पर हमला हुआ और आज एक खबर चल रही है कि वर्तमान विधायक को जो है धमकी मिल रही है। देखिए, ये चीज़ें कानून व्यवस्था से जोड़ना तब उचित होता है कि XML पे झगड़ा, उनका जो झगड़ा हुआ क्या उसमें गिरफ्तारियां नहीं हुई उसी वक्त, विद इन नो टाइम जो भी लोग थे वो गिरफ्तार कर दिए गए। कानून का काम था ये, पुलिस का काम था, बेखूबी हुआ। अब लड़ाई झगड़ा तो कहीं किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसको सीधे तौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जोड़ना ये गलत है। कानून व्यवस्था से इस वक्त आप जोड़ते कि भाई आप उनका अरेस्ट नहीं हुआ, उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई, वो सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं। उसी प्रकार की जो ये इस पर भी इंक्वायरी होगी, मुख्यमंत्री जी के नोटिस में भी आया कि MLA को कोई ऐसी बात हुई है तो उस पर कानून पुलिस अपना काम करेगी। तो अगर आप हिमाचल में भी कानून व्यवस्था की बात करते हैं जो देश की सबसे बेस्ट स्टेट है, तो फिर दूसरे राज्यों में क्या होगा? चलो, थैंक यू।